मैं बताता हूँ कि हंस रहा की। तो मेरे भाई लोगों कैसे हो, होप कर दो आप लोग अच्छे। और आज अपन बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग चैनल के बारे में, ब्लॉगर के बारे में। क्योंकि पहले के जमाने में हर एक दूसरे घर पे एक रैपर पैदा होता था, पर आज के जमाने में हर एक तीसरे घर पे एक ब्लॉगर पैदा जरूर होता है। तो भाई लोग आ गए अपन फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज अपन आए हैं कहाँ, मूवी पप्पू बेटा। तो हम उच्च कोटि के ब्लॉगर के बारे में बाद में बातें करेंगे आगे चल के। और अभी अपन बात करने वाले हैं जो गांव के ब्लॉगर हैं उनके बारे में। जैसे कि हर एक टेक्निकल चैनल वाले के पास एक ब्लॉगिंग चैनल होता है और हर एक रोस्टिंग चैनल वाले के पास एक गेमिंग चैनल होता है, उसी प्रकार हर एक गाँव वाले के ब्लॉगिंग चैनल पे हर एक दूसरी वीडियो सिर्फ होता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अरे बचकर नहीं देखना मुझको तेरा घर। और हाँ, इस भेड़ चाल में लड़कियां भी पीछे नहीं है भैया, तोबा तोबा, लड़कियां भी बहुत आगे निकल चुकी है इस भेड़ चाल पे। सो फ्रेंड्स, आप सब देख नहीं और देख रहे हैं ये जो ऊपर जो है नारिया और खपरे से बना हुआ है और मिट्टियों से ये मकान बना हुआ है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और जो है, और ये बात आप लोग नोट करके लिख लो, क्योंकि आपको गांव का ब्लॉगर बनने के लिए एक एक चीज दिखाना पड़ेगा। जैसे स्कूल में मैडम बच्चों को नहीं बताते कि बेटा ये कुत्ता है, ये शेर है, ये गाय है, ये मेरी चाची की गाय है छोटी सी, ये रहा इसका। हाँ बस अब मुझको ब्लॉगिंग चैनल पे यही देखना रह गया, मतलब कि ये छोटी सी गाय है, मतलब इसका बच्चा तो फिर बड़ा सा बच्चा होगा, मतलब दीदी के हिसाब से। गेट भी लगा हुआ है, छोटा है। नहीं बहुत बढ़िया दीदी, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमको तो लग रहा था कि दीवार बनी है यहाँ पे। इसका दरवाजा बहुत छोटा है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जो है और कोई लंबा जाए तो वो जो है नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्यों अंदर यमराज बैठा है क्या, उसके सर में लगेगी। चलो अच्छा फिर ठीक है, अब हम आते हैं गांव के लोंडो को ऊपर। घर आप जो देख रहे हो दोस्तों ये है, नीचे जो आप देख रहे हैं खपरा वाला जो घर है वहाँ एकदम वो वाला। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर दिखाओ, बार बार दिखाओ, हजार बार दिखाओ। वो तो काफी औसम है, एकदम से हेवन लगता है, उतनी ज्यादा जो है वो गर्मी भी यहाँ पे नहीं होती है, हालांकि अभी धूप निकली हुई है। साला गांव का हर ब्लॉगर कैमरा लेके निकल जाता है और अपना घर दिखाने लगता है। अच्छा हुआ चलो घर ही दिखाते, चलो कोई अच्छा बाथरूम गलती से ना दिखा दे। तो बाथरूम है, इसमें बस टाइल्स लगना बाकी है, बाकी सब तो ओके है, मतलब टाइल्स लग जाएगा तो ये। चलो अच्छा है बाथरूम दिखा, कोई एकदम हगते हुए वीडियो ना बना के दिखा दे हमें ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। अब वे खेतों में चलेंगे हगने, ठीक है, भग भोसड़ी की, अब हमें यही देखना है। कंटेंट बेस्ड ब्लॉगर है वो, बहुत चुनिंदा। हाँ गोबर भैया की ये बात तो सही है, पर इन चीजों में गोबर भैया बिल्कुल भी नहीं आते हैं। चले हमें अंदर। तो मेरी बाइक डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है इस टाइम, और अंदर चलते हैं जहाँ पे सूर्यांश पहले पहुंचा पड़ा है, पेपर वर्क करवा रहा है। हो गया पेपर वर्क, पेमेंट वगैरह सब। आप लोगों ने सुना ये बंदा बोला कि पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, पेमेंट वगैरह सब हो गया। तो ये रही बाइक अपनी, ठीक है, तो आओ मम्मी हटाओ। बाइक आ गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये जाहिलो जैसे हंस क्यों रहा है, तो रुको जरा सबर करो मैं बताएगा। मैं बताता हूँ क्यों हंस रहा, क्योंकि ये तुम लोगों का चूतिया काट रहा है और तुम लोग उससे अपना चूतिया कटवा रहे हो, और इसीलिए तुम्हारी शक्ल पे देख के उसको बहुत ज्यादा तेजी से हंसी आ रही है। हाँ तो एक चीज तो जरूर है, गोबर भाई के पास पैसे तो बहुत है, पर गोबर भैया पैसों को सोप जरा सा भी नहीं करते है। नाखून नहीं, ये गुची की ड्रेस है बड़े भाई, गुची की। अरे गोबर भैया तुम बता भी किसे रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी ड्रेस पहनो, कोई भी ब्रांड पहनो। तो गाइस ये जितने भी मैंने आउटफिट पहनी है तो ये गुची की पहनी है, जैसे अभी देख। किसी ने पूछा नहीं, पूछा ना तो बिगर पूछे नहीं बताने का, समझा ना, समझा रहे तेरे को आखिरी बार। सो गाइस इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।